Good morning guys, what's up? Welcome back to another video. Welcome guys, welcome me also to the happy new year of the 2024. This is Kamaljeet Rana, live from Jyoti City's channel, and we are heading towards the IKEA. तुमने देखा नहीं कि तुम पे बिल्कुल लाइट नहीं आई और फिर तुम बोलोगे मैं तो दिख नहीं रहा। हम लोग जा रहे हैं आज IKEA, मुझे ऑफिस के लिए अपना एक डेस्क और एक चेयर लेना है, बिकॉज अभी तक जो डेस्क और चेयर मैं यूज कर रही थी वो अब मैं मतलब वो अब किसी और काम आने वाला है. सो नाउ आई डोंट हैव अ प्रॉपर यू नो सेटअप जहाँ पे मैं बैठ सकूं, और अब क्योंकि मैं व्लॉग्स किया करूंगी वापस से तो मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी रहा करेगी. एंड या आई थॉट कि थोड़ा एक अच्छा सा एक डेस्क और चेयर ले लेते हैं. तो कुछ जगहें, एक दो और जगह एक्सप्लोर किया था हमने थोड़े दिन पहले, हम लोग गए थे बट हमें समझ में नहीं आया था. सो फाइनली हमने सोचा यार IKEA ही चलेंगे. तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द न्यू ईयर टू स्टार्ट. तो या टुडे इज 2nd January एंड आज हम लोग निकल गए हैं IKEA के लिए. आज मैं बहुत मस्ती कर, ओम मैं इतना सुंदर दिख रही हूँ. हाँ, तो मैं ना आज बहुत मस्ती करने के मूड में हूँ, तो हो सकता है शाम तक आपको ये पूरा व्लॉग शायद देखने को मिलेगा, या तो बीच में ही लड़की जो है काट देगी, फुक जाएगी और सब मेरे को ना काट देगी व्लॉग से, कट 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 के गैजी चला देगी. बट आई एम इन अ वेरी गुड मूड टुडे बिकॉज आई ओनली मेड वन रेजोल्यूशन फॉर दिस न्यू ईयर. आपको पता है ज्योति, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें भी नहीं बताई ये बात. नहीं बताओ. आई हैव मेड ओनली वन रेजोल्यूशन दिस ईयर एंड दैट इज to be happy and do what makes me happy and travel coco that's make me happy. तुम हाँ. हाँ. सारी ये लाइट रखा हाँ. अरे आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कोको, तेरे को बेस्ट लाइट दूं. मैं तो फ्रेम से ही हट गई हूं ताकि तेरे को पूरा वो मिल जाए. करेक्ट. और तू बहुत दिन बाद भी कर रही है ना, सो आई विल गिव यू दैट. बट हम दोनों कितने नोने लग रहे हैं, हम दोनों के कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं यार. गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन बताना कि ये कलर और ये कलर कितना सुंदर लग रहा है साथ में दोनों ना, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं. मेरा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. नजर ना लगे बहुत यार कोको, यार मुंह पे थूक रहा है यार. अच्छा सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ये शर्ट एक्चुअली ये बहुत अच्छी लग रही है, मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से ली थी. ओके हाँ, तो इसमें तुम बाहर से देखी थी कि बता सकती थी, तुम कैसे कर रही हो दिखाना इधर मुझे बताने के लिए स्पेशली. ये शर्ट मार्क्स एंड स्पेंसर से ली थी. अरे यार मैं बहुत टाइम से एक्चुअली शॉपिंग नहीं कर रही थी और कमल बहुत खप रहा था इस बात पे कि यार जाओ ना यार कपड़े लोना. एंड मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही थी कुछ कपड़े लेने की. कुछ लिए थे मैंने जब मैं गोवा गई थी, पर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही थी ज्यादा लेने की, तो फिर इसलिए मैं बता रही हूँ कमो को मैंने ली है और मार्क्स एंड स्पेंसर से ली है. हैप्पी, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. यू शुड ऑलवेज, चलो लेट्स गो बाय क्लोथ्स. क्लोथ्स बाइंग मेक्स यू हैप्पी. यू हैव सेड दैट इफ इट डजंट, इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी हैप्पी. इस चीज का प्रूफ ये है कि इसी पैटर्न में, इसी मटेरियल में ये लड़की 3 शर्ट लेकर आई है और 3 ट्राउजर्स, तो इसका ये प्रूफ है दैट शी लाइक्स पिंक, ब्लैक, ऑफ वाइट. ओके बाय, सी यू. बाय. खुद ऐसे काम करते हो तुम कि मैं तुमको काट दूंगी. बेटा इस व्लॉग पे करोड़ों व्यूज आ जाएंगे. लोगों को यही तो अच्छी लगती है, मिस करते हैं लोग जो मेरी हरकतें होती हैं छोटी छोटी मोटी मोटी, समझी तू. चले पहनी बात को नंदू सबका बंद. कम्बू जा रहा गन्ने का जूस लेने, शुगर केन जूस, गन्ना ही होता है अंग्रेज. देखना उसका कुछ तो मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, मैंने उसे ऐसे ही मस्ती में भी रिप्लाई किया जब वो ये कर रहा है. ठीक है, मैंने बोला ना आई एम ऑन द वे टू IKEA. कह रहा अरे साथ ही चल लेते यार. मैंने कहा ना आई वॉन्टेड टू गो विद माई हस्बैंड. कह रहा डज ही वॉन्ट टू गो विद यू. गन्ने के रस के साथ रिस्क नहीं ले सकता मैं. Yes, मेरे बालों में गिर गया तो चीप चीप हो जाएगा. Cheers. तुम्हारा कैसे मन कर गया भाई आज गन्ने का जूस पीने का? तुम्हारा भी तो मन करता कभी भी ना लड़ने का. मस्ती का मूड मेरा इसलिए मन कर गया, गर्मी लग रही थी बहुत और अंदर से थर्स्टी फील हो रहा था मुझे. सर्दियों में गर्मी लग रही भाई को. बॉम्बे में कौन सी सर्दी पड़ती है, फिर भी प्लेजेंट तो है कोको मौसम. नहीं बच्चा तू घर पे रहती गर्मी वैसी बढ़ के रहती. घर की पी लिया मैंने, जल्दी करो. तुम्हारे ज्यादा बीवी जोक्स नहीं हो रहे आज. बीबी तूने एंजॉय नहीं करी ड्रिंक. स्लोली स्लोली इट्स शुगर केन CCK6OH6. भाई भाई इसे कौन सा पता होगा है ना. एग्जैक्टली कुछ भी फॉर्मूला बोल दो है ना, ब्लडी H2SO4. अरे बीबी सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया तूने यार, वाओ. हां पता है तुम्हें H2SO4 पता है क्या? तो ये तू ग्लास मुझे क्यों देने की इच्छा में है, तू इसको रख दे साइड में कहीं. कमो बाहर रखना है इसको, नहीं रख सकते हम अंदर यार कोको. उस तरफ डाल दे. डाल ही नहीं सकते, इट्स सो चिपचिप बेटा. गन्ने का जूस सो चिपचिप. उस वो जो बॉटल का वो है ना स्पॉट, उसमें अभी के लिए रख दे. मैं उतर नहीं सकता, मैं बेड लगा ली, मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय कर लूं. बच्चा उतरना तो पड़ेगा. उतरना नहीं पड़ेगा. उतरना तो पड़ेगा, गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते हम. अरे तो ये मेरा वाला साफ है, मेरे अंदर डाल के इधर रख दियो तू. सारा व्लॉग यहीं करेगी, गन्ना के जूस पीते हुआ. Something in my brain causes stress. So come and make me feel this.
तो हम लोग पहुंच गए हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर कहाँ पे है। How do you feel? बाकी फीचर्स इधर से देखने पड़ेंगे। हाँ, नीचे ऊपर भी हो जाएगी हाइट, हाइट भी ऊपर नीचे हो जाती है। और बैकरेस्ट का लॉक नहीं है शायद ना, आई थिंक बैकरेस्ट वो है, सिंपल है, क्या कहते हैं, मुझे ऐसे टाइपिंग करनी आती नहीं है इसलिए मैं शौक पूरा कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे इफ़ इन केस आप कभी आए क्या नहीं आए हो या वीडियो भी नहीं देखी है, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर घर के ऐसे सेटअप बनाए होते हैं। सी दिस इज़ द किचन, लाइक एकदम ऐसे लगता है जैसे किसी के घर में आ गए हो। एंड दिस इज़ द लॉन्ड्री स्पेस, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे स्टडी और बेडरूम है, लाइक ऐसे प्रॉपर घर बनाए होते हैं इन लोगों ने, जस्ट टू गिव यू अ फील कि हाँ भाई इनका सामान कैसा लगेगा। लुक एट दिस लिविंग रूम, चेयर और ये टेबल की डिलीवरी के लिए हम लोग जो है कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी डिलीवरी होगी यहाँ से इन चीज़ों की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज ट्रक्स वगैरह की स्ट्राइक चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा स्ट्राइक है, पेट्रोल पंप भी बंद हो गए इस वजह से, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आज डिलीवरी नहीं होगी, दो दिन बाद डिलीवरी करेंगे ये लोग। सो वी हैव टू एनवीस वेट फॉर टू डेज। और इसके बाद बहुत जोरों की भूख लग गई है, अभी चल के कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। कमू ने लिया अपने लिए मोचा, मोचा नहीं मौका, मोचा होता है। और मैंने लिया है अपने लिए ये मैंगो कोकोनट स्मूदी, और वो थोड़ा पैक कराई है एक दो चीजें। बाय द वे ये कम्मू की ड्रिंक मुझे ओके ओके लगी, बट दिस वाज सो गुड, सो गुड। कोको एक सेकंड, ये भी ले जा, थैंक यू। अगर आप आई के आओ तो ये ट्राई कर सकते हो, दिस इज रियली रियली टेस्टी ड्रिंक। हाँ, आप एक बॉटल ही चाहिए। मुझे क्यों चाहिए बॉटल, वो है ना शौक है ना खाली चीज इकट्ठा करने का, एम्प्टी वीडियो बनाती हो तुम इसकी बना देना, घर में स्टोर रूम में जगह वैसे ही नहीं है, इसने पूरा एक थैला भर के रखा हुआ है एम्प्टी चीजों का। एक्चुअली क्या हो रहा था, इतने टाइम से वीडियोस तो नहीं बना रही थी ढंग से, मैं मतलब ज्यादा नहीं बना रही थी, बट मेरे को पता था कि जब कभी बनाऊंगी तो एम्प्टी की वीडियो बनाऊंगी, तो मैं सारा सामान संभाल के रख रही थी। तो एक्चुअली घर में एक इतना बड़ा बैग भर गया है मेरा एम्प्टी का, जिसके एटलीस्ट तीन वीडियो बन सकते हैं एम्प्टी के। क्योंकि तुमसे मैं सवाल पूछूंगा, तुम्हें आंसर देना है, अगर चाय में मीठा ना हो तो वो कैसी लगती है, अगर तेरे मेरे बीच में प्यार ना हो तो रिश्ता कैसा लगता है, अगर अकाउंट में बैलेंस ना हो तो जिंदगी कैसी लगती है। मुझे नहीं पता भाई, जोक चल रहा है जोक के साथ साथ, जब अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो जिंदगी कैसी लगती है, मेरी बीवी का भाई मेरा क्या लगा साले। पील पी खत्म करो यार। अवसर को इंग्लिश में कहते हैं मौका। ओके, तो आईकिया से निकल लिए हम लोग, हमने एक्चुअली और कोई भी खास ऐसे शॉपिंग की नहीं, मेक श्योर किया कि जो लेने के लिए गए हैं वही लेके आए, और एक टेबल ले लिया ऑफिस टेबल और एक चेयर ले ली, और दोनों हमने एक्चुअली ऊपर हमने पसंद किया सारा कुछ, पर हमें था कहीं ना कहीं कि एक बार नीचे वो वाला जो सेक्शन होता है ना आईकिया में, जहाँ पे डिस्प्ले वाली आइटम्स पड़ी होती है वो सस्ती मिलती है, तो हमारे हम जब भी आईकिया जाते दिमाग में रहता है कि हम पसंद कर लेंगे बट नीचे जाएंगे, अगर कुछ ऐसा ऑप्शन मिला जो सस्ता मिल रहा है तो वहां से ले लेंगे। और वही हुआ आज भी कि जब हम नीचे गए तो मतलब हाँ उतना पसंद नहीं था, अगर ऊपर सेक्शन से लेती तो मैं ये वाली चेयर और टेबल ना लेती, बट देन नीचे इतनी अच्छी डील मिली, आई थिंक 7,000 की चेयर थी जो हमें 4,000 रुपए में मिली, और आई थिंक 13,000 का टेबल था जो हमें 6,000 रुपए में मिला, समथिंग लाइक दैट। तो फिर अच्छी लगी डील, फिर मैंने ठीक है यार यही लेते हैं। सो दोनों चीजें बुक कर दी अब, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन से आएंगी तो 4 तारीख को, यानी परसों उन्होंने बोला है डिलीवर करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग होम, और बस कुछ नहीं खा पी लिया थोड़ा बहुत, बस अब घर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। कल हम लोग वहां से आए आईकिया से, और फिर
व्लॉग मैंने सोचा कल कंटिन्यू करूंगी, तो आज है मेरा शूट। आभारी का भी शूट है और ज्योति सेठी का भी शूट है, यानी यूट्यूब चैनल का। सो एक मेरे को शॉर्ट्स शूट करनी है आज फर्स्ट हाफ में, छोटी छोटी और चीजें हैं, और सेकेंड हाफ में हम लोग करेंगे आभारी का शूट, यानी कि साड़ियों का शूट। सो या दैट्स द प्लान फॉर टुडे। मैं नहा चुकी हूँ और अब बस मुझे ये, मैंने अभी न्यू फ्रेश नाइट सूट ही पहना है, सो आई माइट जस्ट गो इन द नाइट सूट टुडे, बिकॉज वहां जाके शूट के लिए मुझे कपड़े चेंज करने ही है। सो आई माइट जस्ट गो लाइक दिस ओनली। मैं अब थोड़ा सामान वामान इकट्ठा कर रही हूँ जो भी शूट के लिए उधर लेके जाना है। या आई विल सी यू गाइस इन अ व्हाइल। हे गाइस, आई हैव रीच्ड द ऑफिस। दीप्ति इज हियर, गुड मॉर्निंग। भव्य इज देयर, हेलो भव्य। हेलो। अब हम रेडी वेडी होंगे और फिर शूट शुरू करेंगे, तो आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरा पेट गड़बड़ा रहा है आज बाय द वे। ओके, ऑलमोस्ट रेडी, बस थोड़ा सा बालों का फाइनल काम कर रहे हैं। मेकअप इज डन। दिस इज द जंप सूट दैट आई एम वेयरिंग। यहाँ पे चल रहा है प्रोडक्ट शॉट। मैंने वीडियो शूट करनी शुरू कर दी थी बट बीच में लाइट चली गई। वैसे पहले मैं सोच रही थी कि अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा वो साड़ियों वाला जो शूट है तब तक हम वो कर लेते हैं, बट हम इन द मिडल ऑफ ऐसे एक शॉट है कि वो नहीं हो सकता कुछ और। बालों की सेटिंग खराब हो जाएगी, वो लगेगा ऐसे कि हाँ बाद में शूट किया है, या तो कुछ अजीब सा लगेगा, ऑफ लगेगा। तो ठीक है, वी जस्ट वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू कम बैक एंड फिर हम शूट करेंगे। अब देखो कब आएगी, पता नहीं। वेटिंग। गई लाइट, आ गई। सो लेट्स क्विकली शूट द रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद हम लोग आभारी का शूट शुरू करेंगे। ओके, अरे लिपस्टिक थोड़ी सी ऑड लग रही है इस कलर के साथ, है ना? साड़ी रेड है और ये लिपस्टिक पिंक सी लग रही है ना। चेंज करूँ, न्यूड कर लेते हैं इसे थोड़ा। एक कप चाय का पी रहे हैं नीचे उतरने से पहले, और मैं रेडी हूँ अपनी फेवरेट साड़ी में। दिस इज गाइज, यू नो माई फेवरेट साड़ी। इसे हम दोबारा शूट क्यों कर रहे हैं, ये एक्चुअली शूट होके वेबसाइट पे डली हुई है, बट किसी और ने, लाइक शुभांगी नाम की एक लड़की है, उसने पहनी हुई है वो। तो कनिका लास्ट, जब से मतलब ये डिसाइड हुआ है कि मैं शूट करूंगी अब साड़ियाँ पहनूंगी और मैं मॉडल करूंगी अपनी साड़ियों में, तब से वो मुझे इस साड़ी के लिए बोलती थी कि ये क्योंकि आपकी बहुत फेवरेट साड़ी है तो यू शुड मॉडल एटलीस्ट वंस इन दिस साड़ी। सो वी आर एक्चुअली शूटिंग दिस साड़ी अगेन। दिस हैज ऑलवेज बिन माई फेवरेट साड़ी। जब से मैंने आभारी शुरू किया है, आई थिंक दिस इज द साड़ी जिसको मैंने सबसे ज्यादा पहना है। लवली साड़ी, आई लव इट। लिनन की साड़ी है ये, चेक इट आउट। बाई लोकेशन पे आ गए हैं हम लोग। दिस इज वेयर, बाय द वे ये मेरी बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग के अंदर का एरिया है, एंड दिस इज वेयर आई शूट मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स फॉर द वेबसाइट, बिकॉज यहाँ पे काफी ऊपर ना ऐसे ओपन है तो बहुत लाइट आती है अच्छी यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई वी शूट मोस्ट ऑफ आवर साड़ीज हियर एग्जैक्टली। मेरी सवारी खड़ी है, दिस इज हाउ वी आर कम्यूटिंग। रोशनी मुझे लोकेशन से ऑफिस तक इस पे लेके जाएगी। वी विल सेव टाइम लाइक दिस। ओके, वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू। नए तरीके की साड़ी है, मैंने ऐसे कभी नहीं पहनी है, बट आई रियली रियली लव द साड़ी, क्योंकि इस तरीके की साड़ी है थोड़ा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा अलग सा कुछ करें। लोकेशन चेंज करी है हम लोगों ने और ऑब्वियसली साड़ी तो चेंज हुई है। दिस इज प्लेन ब्लैक साड़ी दैट आई एम वेयरिंग। जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ शूट किया जाए, ये वाला यहाँ करके देखते हैं। ओके गाइज, वी आर डन फॉर द डे, लास्ट साड़ी शॉट। वो नहीं होती नव विवाहिता जो पूरे मेकअप के साथ अगले दिन ऐसे सुबह सुबह उठती है सुहागरात के बाद, चूड़ा ही मिसिंग है बस। ओके, शूट हो गया है, आते ही सबसे पहले चेंज किया बिकॉज सुबह से इतनी साड़ियाँ पहन पहन के ऐसे पेट का ऐसे सत्यानाश हो गया था मेरे यहाँ पे, तो आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए, डन फॉर द डे। अब मैं मेकअप वेकअप रिमूव करूंगी। भव्या कर रहा है डेटा कॉपी, दीप्ति इज रेडी टू लीव विद हर बैग्स, बोल रही बस जल्दी से सिग्नल दो और मैं निकलूं। दीप्ति की एक्चुअली नेक में स्प्रेन आया हुआ है, इस वजह से आज वो बहुत ही मेरे से मतलब रिक्वेस्ट करा के आई है आज, पर आज जल्दी हो गया। हाँ, पर हमने जल्दी भी शुरू किया ना आज, इसलिए। हाँ, रोशनी बना रही है चाय, कनिका कर रही है रैपअप। ये हमारा स्टॉक रूम बाय द वे, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो दिस इज आवर स्टॉक रूम। गाइस, आई थिंक अब
मेरी मतलब बहुत हो गया अभी, आई एम डन फॉर द डे. बहुत सुबह जल्दी शुरू किया था दिन, तो अभी ऐसे हो गया कि बस अभी आई विल जस्ट एंड द व्लॉग ऑल्सो, कल से चल रहा है. सो यस, अब ऐसे रहते हैं मेरे दिन कुछ अब, क्योंकि साथ में ज्योति सिटी का भी शूट शुरू. सो व्हेन आई से ज्योति सिटी, इट मीन्स यूट्यूब. हाँ चलो, आई विल कॉल इट यूट्यूब ओनली. सो जब से यूट्यूब का अब वापस से अब मैंने चालू किया है, तो नाउ आई एम थिंकिंग कि हम शूट जब भी किया करेंगे तो कुछ ऐसा किया करेंगे कि हाफ डे हम ज्योति यूट्यूब का कॉन्टेंट शूट किया करेंगे, और लंच के बाद फिर हम आभारी की साड़ियाँ शूट कर लिया करेंगे, जो भी अगर लगेगा कि हाँ कुछ नया स्टॉक है, नया कलेक्शन है, कुछ भी है. थक जाती हूँ बट बहुत. चलो ओके, होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज. लाइनें अभी भी याद है. बाय.